एज ए जैन पिपरिया से मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं सुबह 1 मई 2021 से प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। शुरू शुरू में मैंने कई प्रकार के बहाने बनाए। बहाने आपके भी होंगे, बॉडी नहीं उठ सकती, लेट्स होते हैं और भारी फील होता है, तो दोपहर में नींद आती है। इस टाइप के कई प्रकार के मेरे बहाने थे। तो मेरे परिवार वालों ने बोला कि सुबह क्या 4 बजे उठते हो, और मैंने कुछ नहीं देखा, उठना स्टार्ट कर दिया। मेरे परिवार वाले भी सोते रहते हैं मगर मैं उठता हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है। शुरू शुरू मैं सोचता था कि सुबह उठने से भूत भूत दिखते हैं ऐसा कुछ, तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा अलग टाइप का लगता था, मगर बाद में देखा ऐसा कुछ होता नहीं है, सब पगलापंती है। उठना चाहिए सुबह, बहुत अच्छा फील होता है, प्रकृति माँ से हम कनेक्ट हो पाते हैं। जब सब लोग जिस समय उठते हैं उस समय मैं योगा प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन और अच्छे थॉट अपने अंदर ले चुका होता हूँ। मैं अपनी शुरुआत इतनी अच्छी चीज़ से करता हूँ, और सबसे मेन चीज़ है कि मैं खुद अपने आप के साथ समय बिता पा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है कि अगर आपके हजारों दोस्त हैं और आप हजारों से मिलते हो तो ठीक है, मगर ठीक नहीं है अगर आपने अपने दोस्त से ना नहीं मिले आप, तो आपका एक दोस्त है उससे मिलना जरूरी है। अगर आप उससे नहीं मिले तो आपका हजारों दोस्तों से भी मिलना सार्थक नहीं है। तो साधु संत महात्मा ही बोलते हैं कि जीवन में जितना समय मैंने अपने साथ बिताया वो ही समय मेरा है, उसके अलावा कोई समय मेरा नहीं। इसलिए कुछ समय अपने लिए बिताएं, सुबह जल्दी उठें, प्रकृति माँ के साथ कनेक्ट रहें। प्रकृति माँ के साथ हम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह सकते कि भविष्य में COVID-3, COVID-4, COVID-6, COVID-10 आ जाए, हो सकता है आ भी जाए। इसलिए उसकी जगह हम प्रकृति माँ पर अपना विश्वास करना शुरू करें।